दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बैंक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कौन से बैंक में आपको अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारे सरकारी बैंक भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी हैं। अगर सभी बैंकों का मिला के मैं आपको बताऊं तो 100 से ऊपर भारत के अंदर आज के टाइम पे बैंक हैं। तो इस वजह से दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 100 के 100 बैंकों में या उससे ज्यादा बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा लें। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि 8, 10, 15, 20 बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि यहाँ पे एटीएम का जो है एनुअल चार्ज भी लगता है, मतलब पूरे साल का एटीएम का चार्ज भी हमें देना होता है, उसकी जो एक फीस होती है वो हमें देनी होती है, और इसके अलावा जो एसएमएस सर्विसेज हमें मिली होती है उसका चार्ज अलग जाता है, और भी कई टाइप के चार्जेस होते हैं, छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जो लग जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए अगर आप बहुत सारे बैंकों में अकाउंट खुलवा लोगे तो वहां पे आपको कोई फायदा नहीं है, उल्टा घाटा ही है, और साथ ही साथ आपको सभी बैंक अकाउंट को हैंडल करने में भी परेशानी होगी। तो कोई मतलब नहीं बनता हम 10 20 30 50 बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाएं। तो इसी के साथ आपको जो है अपने लिए एक बेस्ट बैंक जो है चूज करना होगा, जो आपको सारी की सारी सुविधाएं भी अच्छी दें और जहां पे चार्जेस भी बहुत ना के बराबर लगे। तो कुछ एक दो बैंक जो होते हैं हमें चूज करने होते हैं जहां पे हमें अपना अकाउंट खुलवाना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, आपकी ज्यादा इनकम होती है, तो इस चीज को देखते हुए आप जो है 4-5 बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप कोई जॉब करते हैं, ज्यादा आपकी इनकम नहीं है, तो आपके लिए 1 से 2 बैंक अकाउंट ही बहुत हैं। लेकिन दोस्तों आप जो है मैक्सिमम 4-5 बैंकों में ही अपना अकाउंट खुलवाना, उससे ज्यादा बैंकों में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाओगे तो आपके लिए सिरदर्दी वाला काम हो जाएगा और काफी सारे चार्जेस भी आपके जो है लगेंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मुझे कौन सा बैंक रखना है, कौन सा नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों सभी बैंकों में आपको जो है मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करके रखना होगा। सभी बैंकों का अपना एक हिसाब किताब होता है, जैसे प्राइवेट बैंक में कम से कम 10,000 रुपए रखने होते हैं, और सरकारी बैंकों में आजकल पैसे बढ़ा दिए हैं। पहले तो शुरू में 0 पे खुल जाया करता था, फिर 1,000 रुपए कर दिए, उसके बाद 2 या 3 3,000 रुपए भी कर दिए। जैसे SBI बैंक वाले कहते हैं कि 3,000 रुपए मेंटेन करके रखो, तो ये सारे सिस्टम हो जाते हैं। अगर आप 4-5 बैंकों में प्राइवेट बैंकों में अकाउंट खुलवाते हैं तो सब में 10-10,000 रुपए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब 40-50,000 रुपए तो आपको वहां चला गया। और अगर मैं सरकारी बैंक की बात करूं तो 3-3,000 रुपए जो है अब रखने पड़ते हैं, तो वहां भी आपका 15-20,000 रुपए चला गया। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। और सभी बैंकों में आपको एटीएम के चार्ज देने होंगे, एसएमएस का चार्ज देना होगा, एनुअल चार्ज देना होगा, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे चार्जेस आपको इसमें देने पड़ जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बीच बीच में बैंक क्या करता है, मतलब कुछ हिडन चार्जेस काट लेता है, हमें उसका पता भी नहीं चलता। 10 रुपए काट लिए, 20 रुपए काट लिए, फिर उसके ऊपर वो टैक्स भी लगा देते हैं, हमें उसकी कोई डिटेल नहीं आती, बस वो कट जाते हैं अपने आप ही। वो तो हमें जाके बैंक स्टेटमेंट उसकी निकालनी पड़ती है, फिर चेक करना पड़ता है कि भाई बैंक ने क्या क्या किस किस चीज कौन कौन सी सर्विस के पैसे काटे हैं, तब हमें पता चलता है। तो ऐसे में मल्टीपल अकाउंट्स रखना मतलब बेवकूफी वाला काम है। आप 1-2 बेस्ट से बेस्ट बैंक को चूज कर लो। तो इसीलिए दोस्तों आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों जब भी आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आप अपनी जरूरत के अनुसार ही खुलवाएं कि आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, क्योंकि अलग अलग बैंक का अलग अलग हिसाब किताब होता है। कोई बैंक किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, किसी बैंक का डेबिट कार्ड सर्विस ज्यादा अच्छी है, किसी बैंक का जो है सेविंग अकाउंट ज्यादा अच्छा है, मतलब उनकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी है, किसी का करंट अकाउंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कोई फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा पैसा देता है। तो अलग अलग बैंक की अलग अलग खासियत होती है, इसीलिए अलग अलग लोग अलग अलग बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। मतलब कोई किसी चीज की सर्विस के लिए फलाने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है, तो कोई किसी चीज की सर्विस के लिए फलाने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी जरूरत को पहचानना होगा कि आपकी क्या जरूरतें हैं। तो मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे आप ऑफलाइन बैंक ज्यादा इस्तेमाल करते हो या ऑनलाइन बैंक ज्यादा इस्तेमाल करते हो, ये भी चीजें देखनी होती है। मतलब ऑनलाइन नेट बैंकिंग का ज्यादा आपका यूजेस है, ज्यादा इस्तेमाल करते हो, या फिर आप ऑफलाइन में ज्यादा चक्कर लगाते हो, तो ऑफलाइन में कौन से बैंक में ज्यादा सुविधा मिलेगी, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग में कौन से बैंक में ज्यादा सुविधा मिलेगी, और ये जो है ब्रांच वाइज भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए कोई एक अच्छा सा बैंक जो है आपको चूज करना पड़ेगा।
जिसकी दोस्तों मार्केट वैल्यू काफी काफी अच्छी हो, जिसकी सर्विसेज काफी अच्छी हो, मतलब आपको इसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ी जानकारी आपको लेनी होगी अगर आप ऑफलाइन में लेते हैं या ऑनलाइन में लेते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से भी जो है इसके ऊपर सर्च करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं खुलवा लेना चाहिए, आपको काफी सारी जगह पे इसके बारे में पूछना चाहिए कि कौन सा बैंक कितनी सुविधा दे रहा है, तभी आपको पता चल पाएगा। नहीं तो आपको फिर कोई गलत बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा लोगे तो बाद में आपको उसको क्लोज भी करवाना पड़ेगा, तो आपको आपके लिए सिरदर्दी बढ़ जाएगी और आपका पैसा भी खराब जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ पैसा तो खराब जाना ही है ना उसमें। तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि भाई आप जिस भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे हो उसमें कितना मिनिमम मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बैंक, सरकारी बैंक की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 1,000 रुपये में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है और 3,000 रुपये मैक्सिमम करना पड़ता है, ठीक है। पंजाब नेशनल में मैंने जब अपना अकाउंट खुलवाया था तो 1,000 रुपये ही मैंने उसमें डाले थे, और वो भी बहुत पहले खुलवाया था, ठीक है, मतलब 15-16 साल पहले खुलवाया था। आज के टाइम पे शायद 3,000 रुपये वो जो है उसमें रखना पड़ता होगा, मुझे ज़्यादा उसका पता नहीं है, और आपको ये चीज़ जो है पता करनी पड़ेगी बैंक जाकर। SBI का मुझे पता है, SBI में 3,000 रुपये मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करवाते हैं, बाकी सभी प्राइवेट बैंकों का 10-10 हज़ार रुपये ही होता है मिनिमम, और मैक्सिमम ये 25,000 रुपये तक भी चला जाता है प्राइवेट बैंकों का। और साथ ही साथ आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं रखते तो उसका कितना फाइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो हमें बैंक से अपने बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकालना पड़ जाता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा चार्जेस उसके लग जाते हैं। जैसे मैंने एक बार, मुझे जरूरत पड़ गई थी तो मैंने अपने HDFC बैंक से सारे पैसे निकाल लिए, तो मुझे हर महीने 700-700 रुपये उसमें जो है माइनस में वो जाने लगा, हालांकि मैंने एक महीने से ज्यादा नहीं किया था, तो मुझे एक महीने के 700 रुपये एक्स्ट्रा उसमें डालने पड़े, तो ये बहुत ज्यादा है, 700 रुपये मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। तो सरकारी बैंक का भी कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है, वो भी लोग 100 रुपये, कम से कम 100 रुपये तो वो चार्ज करते ही है महीने के हिसाब से, तो ये चीज भी आपको जो है उसमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पेनल्टी आपको लगेगी, तो आपका नेगेटिव में जाएगा अकाउंट, तो इससे क्या है कि आपका आपके बैंक की जो रिस्पेक्ट, मतलब आपके बैंक अकाउंट की जो रिस्पेक्ट है वो बैंक की नजरों में कम होगी, तो उससे आप ही को नुकसान है। इसके अलावा दोस्तों जब आप ATM कार्ड लेते हो बैंक से तो उसका जो साल भर की जो उसकी फीस जाती है वो कितनी जाती है, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपना जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उनको जब डेबिट कार्ड इश्यू होता है तो उनको यही नहीं पता होता कि कौन सा लेना है, बैंक उनको कोई भी दे देता है ATM कार्ड, और उसमें वो ये भी नहीं पता करते कि इसमें एनुअल चार्ज कितना लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बस करवा लेते हैं और ले लेते हैं, तो ऐसे में बाद में उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है, तो इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत आपको होगी। तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ फाइनली कि कौन सा बैंक अकाउंट सबसे बेस्ट है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, और इसमें भी कोटक का ना एक नया अकाउंट आया है जिसका नाम है 811, क्योंकि ये शुरू से तो था नहीं, तो ये अभी कुछ साल भर से आया है, और इसमें इसकी जो खासियत है वो है कि इसमें ना जीरो आपको, मतलब इसमें आपको जो है बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस पे भी आपका अकाउंट ये खुल जाता है, और इसमें आपको अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये खासियत भी इसमें है, मतलब आपके मोबाइल फोन से ही इंटरनेट के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो। 811 अकाउंट का नाम है जो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में खुलवाना है, जीरो बैलेंस आपको इसमें रखना है, अपने मोबाइल से ही आप सारे काम कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल, इनका एक मोबाइल ऐप होता है उसके थ्रू आप जो है इस अकाउंट को खुलवा सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही आपका ये अकाउंट खुल जाएगा कोटक 811, तो इसमें आपको जो है साथ ही साथ अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड का मतलब होता है ऑनलाइन, जैसे मतलब एक तो फिजिकल कार्ड होता है, ठीक है, जो जैसे हम प्लास्टिक कार्ड कहते हैं, ATM कार्ड, जिसको हम ATM मशीन में लगा के पैसे निकालते हैं, ठीक है, वो होता है फिजिकल कार्ड, उसे हम प्लास्टिक कार्ड भी कहते हैं, और वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है ऑनलाइन चलने वाला कार्ड, ठीक है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है 16 डिजिट का वो आपको मिल जाएगा, और CVV नंबर मिल जाएगा, और ये सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, तो उसे हम वर्चुअल डेबिट कार्ड बोलते हैं, तो वो आप जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए, जिसकी बात मैं कर रहा था अभी, प्लास्टिक कार्ड जो ATM मशीन में लगा के हम लोग पैसा निकालते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको 199 रुपीज, लगभग 200 रुपये
कोटक महिंद्रा बैंक को देने होंगे, क्योंकि वर्चुअल क्योंकि जो प्लास्टिक कार्ड है, जो फिजिकल कार्ड है, उसको बनाने की भी इनकी एक कॉस्ट लगती है, और फिर ये लोग आपके घर पे कुरियर करेंगे तो उसका भी चार्ज लगता है। तो लगभग सब कुछ मिला के आपसे 200 रुपये ये चार्ज करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों उस प्लास्टिक कार्ड के आपको एनुअल चार्ज भी देने पड़ेंगे, जो कि 199 रुपीज होता है। लगभग 200 रुपये हो गए, मतलब बाकी बैंकों के मुकाबले तो सस्ता ही है ना। बाकी बाकी बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे कम से कम 500 रुपये चार्ज करते हैं, 500 रुपये, 300 रुपये ऐसे चार्ज करते हैं, 600 रुपये भी चार्ज करते हैं, लेकिन ये आपसे सिर्फ 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि सबसे कम है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, ये जो आपको कार्ड प्रोवाइड करेंगे वो वीजा वीजा कार्ड प्रोवाइड करेंगे, वीजा का क्लासिक कार्ड होता है वो, ठीक है ना। उस कार्ड की ये खासियत है कि आप उससे जो है डोमेस्टिक शॉपिंग भी कर पाओगे, और इंटरनेशनल शॉपिंग, इंटरनेशनल में भी आप शॉपिंग कर पाएंगे, मतलब इंडिया के अंदर भी आप उससे खरीदारी कर पाएंगे, ऑनलाइन खरीदारी, और उससे जो है आप आउट ऑफ इंडिया में भी ऑनलाइन खरीदारी कर पाएंगे। तो उसका ये फायदा होता है क्लासिक कार्ड का। दोस्तों कोटक महिंद्रा में 811 जो अकाउंट है वो कैसे खोलना है, उसका जो प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसका जो प्रोसेस है वो आपको बाकी वीडियो को देखकर ही सीखना होगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं, आप चेक करना, कोटक महिंद्रा 811 अकाउंट कैसे खोलें, ये सर्च करोगे तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग तरह से, जो लोगों ने बताया हुआ है, तो बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे में उन्होंने बताया हुआ है, तो उनके थ्रू आप जो है अपना अकाउंट खोल सकते हो, सारा काम तुरंत के तुरंत हो जाएगा, तो आप जो है ये चीज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो मोबाइल ऐप है वो काफी अच्छा है, और उस मोबाइल ऐप का जो इंटरफेस है वो भी काफी अच्छा है। आप इनके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करिए, उसका इंटरफेस आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, तो काफी अच्छा इंटरफेस है उसका। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जितने भी बैंक है उन सबसे ज्यादा अच्छी मुझे इस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग ज्यादा अच्छी लगी है, और तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है इसमें एक बार जरूर ट्राई करना, आपको भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों जब इनका यूपीआई सर्वर डाउन होता है ना, तो फिर जैसा वो काम नहीं कर रहा तो ये लोग पहले ही मेल करके बता देते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक डाउन रहेगा या करंटली है, तो ये बता देते हैं पहले ही, तो ताकि हम क्योंकि ऐसा होता है जब बैंक का सर्वर डाउन होता है और ऐसे में हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन हमारी बीच में ही रुक जाती है, पैसे भी कट जाते हैं और पैसे पहुंचते भी नहीं है, निकलते भी नहीं है, तो ऐसा ना बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, या तो पैसे कटते नहीं है या तो कट जाते हैं, ठीक है, या तो वो पहुंचते नहीं है, तो सर्वर डाउन होने पे ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसकी कोई डिटेल नहीं मिल पाती है बैंक वालों को सर्वर डाउन होने पे, क्योंकि सर्वर डाउन है, कुछ चल नहीं रहा है और ट्रांजेक्शन हो रही है, तो कहां से उनको पता चलेगा, तो ये चीजें होती हैं, इसलिए वो पहले ही बता देते हैं कि भाई सर्वर डाउन है तो अभी आप कुछ मत करना, कोई ट्रांजेक्शन मत करना, तो इससे भी आप को बहुत बड़ा इससे बेनिफिट मिलता है। हालांकि बैंकों का सर्वर डाउन इतनी जल्दी नहीं होता है, बहुत ही कम ही होता है मतलब, तो ये लोग बता देते हैं जिससे हम इस चीज को करने से बच जाते हैं और हमें उसका नुकसान नहीं होता है, तो ये चीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। दोस्तों अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप कोई काम वगैरह नहीं करते और अगर आपको जीरो बैलेंस पे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, तो ये वाला जो बैंक है कोटक महिंद्रा 811 ये बहुत ही ज्यादा, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो आप इसमें खुलवा सकते हो। साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, किसी भी गांव में रहते हो, गांव या कस्बे में रहते हो, तो वहां पे आप इस बैंक में जो है अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों गांव कस्बे में इस बैंक की ब्रांचेस वगैरह नहीं है, तो इसीलिए आप वहां पे आपको इनकी सुविधा वगैरह नहीं मिल सकती। साथ ही साथ जो छोटे शहर होते हैं जिनका बहुत ही कम नाम होता है, मतलब छोटे से छोटे जो शहर सिटी होती है, वहां भी कोटक महिंद्रा की ब्रांचेस वगैरह नहीं है, तो वहां भी आपको इनकी कोई सर्विस या सुविधा नहीं मिल पाएगी। और साथ ही साथ ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए आप चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवाओ, उसके लिए आपको शहर में रहना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं जो गांव में कस्बे में अपनी कोई सर्विस वगैरह नहीं देते, क्योंकि वहां पे एक तो लोग कम होते हैं, फिर उनके पास ज्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो बैंक थोड़ी चाहेगा अपना घाटा करना, वो तो यही चाहेगा ना कि भाई पैसे वाले लोग हो, ज्यादा पैसे डालें और ट्रांजेक्शन होती रहे, तो वो ऐसी जगह पे ही अपनी सुविधा देना चाहेगा, इसलिए वो छोटे मोटे शहरों में या गांव कस्बे में अपनी कोई सुविधा नहीं देता है बैंक, तो ये चीज ऐसे होती है। दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आप किसी भी गांव या कस्बे में रहते हो या किसी छोटे शहर में रहते हो, तो वहां पे आपके लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा रहेगा जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवा के एक अच्छी सुविधा ले सकते हो। दोस्तों गांव कस्बों में ना एक बैंक है, मतलब उस बैंक का नाम है ग्रामीण बैंक बोलते हैं उसको, तो उस बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, वो छोटे मोटे गांव कस्बों के लिए होता है, तो उस बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, ग्रामीण बैंक होता है वो, ठीक है दोस्तों, उसमें आप अपना अकाउंट खुलवा के अपनी सुविधा अनुसार जो है सर्विसेज और फायदे ले सकते हो। और जो ग्रामीण बैंक होते हैं, गांव कस्बों के लिए बैंक जो बने होते हैं,
उनमें भी आपको कमर्शियल सर्विसेज मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि वहां पे सिर्फ छोटी मोटी ट्रांजेक्शन ही होंगी, कोई बड़े काम नहीं होंगे, सारे काम होंगे, सारे कमर्शियल काम भी आपको वहां पे आप उस बैंक में आप कर सकते हो। गांव कस्बों के लिए, छोटे मोटे गांव वालों के लिए ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण, उसे ग्रामीण कहते हैं। अब ग्रामीण तो गांव को कहते हैं, लेकिन उसे ग्रामीण बैंक बोला जाता है। तो उस बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, मतलब सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे बाकी के बैंक होते हैं वैसे ही होता है ये वाला बैंक भी। बस ये इसका नाम है ग्रामीण बैंक, ये छोटे मोटे गांव कस्बों के लिए बनाया गया है, सरकार सरकार की तरफ से सरकारी बैंक होता है ये। अब ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना, ये बड़े बड़े बैंकों के टच में रहते हैं, सरकारी बैंकों के टच में, जिसकी ब्रांच पूरे 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 इंडिया में चल रही है, और जो सबसे नामी ग्रामी बहुत पुराना बैंक है उनके अंडर में ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं ये उनके अंडर में आते हैं। अब ये जो ग्रामीण बैंक होता है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, मतलब इसका जो काम होता है, इसको जो संभालने वाला होता है वो होता है, वो बड़े बड़े सरकारी बैंक होते हैं, उनमें से मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, SBI। SBI की जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो संभालता है ग्रामीण बैंक को। अगर आप यूपी साइड से हो तो वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर में ग्रामीण बैंक आता है, जो आपको सुविधाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों तरह के बैंक बता दिए हैं। अगर आप शहर से हो, बड़े शहर से हो, तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, कोटक महिंद्रा 811, उसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। और अगर आप किसी गांव कस्बे से बिलोंग करते हो, किसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हो, तो उसमें आपको जो है ग्रामीण बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना होगा। तो वो ग्रामीण बैंक मैंने आपको बता दिया है, SBI के अंडर में आता है, सभी बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े सरकारी बैंक होते हैं उनके अंडर में ग्रामीण बैंक आते हैं, जो आपको सेम सुविधा प्रोवाइड कराते हैं जैसे बाकी के बैंक करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने गांव वालों के लिए भी बता दिया है और शहर वालों के लिए भी बता दिया है कि आपको अपनी सुविधा अनुसार कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा, मतलब शहर से हो, सिटी से हो, आप शहर से हो, छोटे शहर से, बड़े शहर से, आप गांव से हो, कस्बे से हो, कहीं से भी हो, मैंने सभी के लिए बता दिया है कि किसके लिए कौन सा बैंक अच्छा रहेगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार जहां भी रहते हो उसके हिसाब से आप अकाउंट खुलवा सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी और समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।